स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में यूजीसी के बारे में कि यूजीसी एक्चुअल में क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, मे बी अगर इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ या किसी बाइक या कार की हॉर्न या ऐसी नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मजबूरी की वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वक्त कम है इसलिए बना रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। UGC एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। इसको हिंदी में कहते हैं भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC। ये होता क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग एडमिशन कराने से पहले पूछते हैं कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी UG और C से अप्रूव्ड है कि नहीं। छोटे से वीडियो में लिखित भाषा में नहीं, आपको मौखिक भाषा में समझना पड़ेगा कि UGC का काम क्या होता है, कि भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मेन काम होता है कि यह एक केंद्रीय सरकार का एक आयोग है। इसको लीड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी देश का सरकार है वो इसको लीड करती है। और इसका मेन काम होता है कि विश्वविद्यालय को मान्यता देना, समझ में आ रही बात, यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देना ही इसका मेन काम होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होती है, जब तक यूनिवर्सिटी उसको फुलफिल नहीं करती या उस यूनिवर्सिटी को उस सब्जेक्ट्स की मान्यता नहीं देता। उसमें क्या क्या मान्यताएं आती है भाई, जैसे कि एक लैब की क्राइटेरिया होगी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी BTEC कराना चाहती है तो BTEC के लिए एक प्रॉपर लैब होना चाहिए, तभी जाके आपको UGC आपको BTEC की मान्यता देगी। ओके, इसके अलावा कोई अदर कोर्स, जैसे आप BPharma कराना चाहते हैं तो BPharma कराने के लिए जो आवश्यक लैब हो वो आपके पास होना चाहिए, तभी जाके UGC आपको मान्यता दे दी। तो UGC का सबसे प्रमुख और मेन काम क्या है कि वो उसको मान्यता देना, किसको, विश्वविद्यालय और कॉलेजेस को मान्यता देना, ठीक है। तो इसका पहला काम हो गया। तो ये केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, केंद्र सरकार इसको नियंत्रित करती है। ओके, इसका मुख्य काम है विद्यालयों को मान्यता देना, और यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को अनुदान भी प्रदान करता है। मतलब यही आयोग, अनुदान का मतलब जो भी हेल्प चाहिए सरकार से उस विश्वविद्यालय को, वो यही हेल्प करता है, यूनिवर्सिटीज हेल्प करती है। ओके दोस्तों, UGC के सहायता से ही विश्वविद्यालय को अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से। ओके, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसके 6 से क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में भी है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी। तो अभी तक आपने क्या जाना कि इसका काम विश्वविद्यालय को मान्यता देना और इसका काम सरकार के अनुदान को विश्वविद्यालय तक देना। अगर ये UGC कहेगी तभी इसकी यूनिवर्सिटी की फाइल गवर्नमेंट के पास अप्रूव्ड होगी, और गवर्नमेंट को जो भी सपोर्ट करना है, पैसे से, शिक्षक से, जो भी चीज़ों से, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी UGC के कहने पे ही, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कहने पे। इसका एक मुख्य काम एक और भी है क्या, कि जिम ये है कि यह राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यानी कि NET का परीक्षा, जिसे हम नेशनल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, इसका कंडक्ट कौन करता है भाई, UGC ही करती है। मतलब कि राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा NET का आयोजन भी यही करता है, और जिसे उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति होती है। तो जो भी प्रोफेसर्स होते हैं ना, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों या कॉलेजेस के, तो वो NET क्वालिफाई करना पड़ता है, और ये NET क्वालिफाइड की एग्ज़ाम्स UGC ही कंडक्ट कराती है। तो इसका दो मुख्य काम आपने क्या जाना, पहला यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को मान्यता देना, दूसरा काम NET का परीक्षा कंडक्ट कराना, और तीसरा काम विश्वविद्यालय को जो अनुदान सरकार से मिलना है उसकी ये पहल करती है। तो बात समझ में आ गई, इसका मुख्य काम यही है। अब इस आधार पे आपकी इसके उद्देश्य लिख सकते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि UGC का उद्देश्य क्या है भाई, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, और इसका उद्देश्य क्या है। ज़रा एक चीज़ सोचिए कि अगर UGC मान्यता देने की संस्था नहीं होती देश में तो क्या होता। अभी होने के बावजूद ऐसे तमाम विश्वविद्यालय हैं, तमाम कॉलेजेस हैं, जहाँ पे ठीक से लैब की व्यवस्था नहीं, जहाँ पे ठीक से ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं, जहाँ पे उपयुक्त शिक्षक नहीं है। UGC के होने के बाद भी अगर UGC नहीं होता तो देश में क्या होता, UGC नहीं होती तो यकीन मानिए रोड पे जैसे सब्जी बिकते हैं ना, वैसे डिग्रियां बिकती, वैसे कॉलेजेस खुलते हैं और वैसे यूनिवर्सिटीज़ खुलती। ओके, तो UGC ने सबसे अच्छा काम ये कि मान्यता की एक निर्धारित कर दी कि हाँ चलो भाई, अगर वो कॉलेज UGC से अप्रूव्ड है तभी आप उसमें पढ़िए, ठीक है। तो अगर ये मान्यता नहीं होती तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो जाती।
तो यही काम है यूजीसी का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि यूजीसी का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि देश के सभी विश्वविद्यालय के शिक्षण परीक्षा और शोध की निगरानी करना, ठीक है, कि सही से परीक्षा हो रहा है, एक्सपेरिमेंट या फिर प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं, तो यूजीसी इसकी निगरानी करती है। करती है नहीं करती है वो अलग बात है, मगर इसका उद्देश्य तो यही है कि करे, ठीक है, ओके। तो दूसरा उद्देश्य यह है दोस्तों कि यूजीसी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्र के हित में आवश्यकता पड़ने पर नियम बनाना और उसको लागू करना। तो ये एक यूजीसी का नियम बनाना, जब भी अगर कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट नीड होती है स्टूडेंट की तो उस पर नियम बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों, साथ ही इसके बारे में उचित दंड और मार्गदर्शन करना, ठीक है। यूजीसी ने ही रैगिंग को बैन कर दिया, ठीक है, सॉरी यूजीसी, पहले ये रैगिंग बैन नहीं था। रैगिंग करना बच्चों सीनियर्स जो जूनियर्स की रैगिंग करते थे वो पहले अपराध नहीं था, मगर यूजीसी के गाइडलाइंस के बाद ही हर एक यूनिवर्सिटी में रैगिंग बंद हो गया, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षण पद्धति में सुधार और नए समाधानों को लागू करने का काम करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षक और सरकार के बीच में संतुलन बनाए रखना, वही बात कही ना, क्योंकि जो भी शिक्षा और सरकार के बीच में संतुलन बनाए रखे, जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है सरकार तक पहुंचाए, सरकार के जो भी गाइडलाइंस हैं वो बच्चों तक पहुंचाए, तो सरकार शिक्षा और सरकार में संतुलन बनाए रखना। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि विश्वविद्यालय और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके अलावा विश्वविद्यालय की आर्थिक समस्याओं का समाधान करना, पैसे की जो वो सारी चीज़ें अब बात हो चुकी है, ठीक है। अन्य विषयों के शोध और अध्ययन के लिए शिक्षकों को अनुदान, समझ आ गई, सैलरी शिक्षकों को। और नेक्स्ट है दोस्तों, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यशाले, सेमिनार, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि के सुविधा प्रदान करने का कार्य। कहने का मतलब है जो भी यूनिवर्सिटी को फैसिलिटीज मिलती हैं वो काम प्रोवाइड कराना, ये यूजीसी का काम है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यूजीसी का मेन काम मैंने आपको क्या बताया, वो मान्यता देना, दूसरा नेट का एग्जाम कंडक्ट कराना, तीसरा दोस्तों विश्वविद्यालय और सरकार के बीच में संबंध स्थापित करना, और इसके अलावा आप बिल्कुल बखूबी समझ चुके हैं कि निरीक्षण करना, नए नियम बनाना, नए नियम को लागू करना, और शिक्षण परीक्षा या शिक्षण प्रक्रिया सही चल रही है कि नहीं इसका मार्गदर्शन करना। तो ये सारी चीज़ें काम होती है यूजीसी की। अब आपको अपने भाषा में लिखना है, समझ गए बेसिक चीज़ें जो होगी, आपको समझ गए। इसका मुख्यालय क्या है दोस्तों, दिल्ली में है, ठीक है, बाकी जो छह है वो यहाँ पे है, ओके। अब इसमें मैंने सन को मेंशन नहीं किया कि कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष हैं, तो इतिहास मैंने इसके इतिहास का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि अब इतिहास जान के, इतिहास देखिए, इतिहास ऐसी चीज़ है ना, आप बहुत दिन तक तो उसको दिमाग में नहीं रख सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत ना हो तो, ठीक है। तो हम बीएड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे थे, तो जो मेन चीज़ें थी मैंने सोचा बता दें ताकि आपके ध्यान में रहे, और जब एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो कम से कम इतना तो पता रहे कि यूजीसी का काम क्या होता है, मान्यता देना, सरकार को अनुदान देना, सॉरी विश्वविद्यालय को अनुदान देना सरकार के द्वारा, गाइडलाइंस बनाना, लागू करना, तो ये सारी चीज़ें, ये इसकी बेसिक चीज़ें, ओके। उम्मीद है दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं, आपके हर एक कमेंट्स को मुझे मोटिवेट करते हैं आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे थे आप, बहन क्या कर रही थी अभी तक, करो, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, पढ़ते रहिए, और कुछ बात हो तो कहते रहिए कमेंट बॉक्स में, अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जय हिंद।